हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ केवी एजुकेशन पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अपने सिलेबस में एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। अब इससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना पढ़ना है, तो जितना मैं इस वीडियो में बताऊंगा उतना ही आपको पढ़ना है और सिर्फ 2 मिनट का समय यहाँ पर यूज करेंगे और सारी चीजों को साथ के साथ में याद करके जाएंगे। तो रेड डेटा बुक है क्या? कुछ नहीं है, ये सिंपली एक बुक है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें भाई हिसाब किताब रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में कौन सी स्पीशी है जो एक्सटिंक्ट होने के खतरे पे है, या कौन सी स्पीशी है जो सेफ है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टेट पकड़ लो, जैसे राजस्थान को पकड़ लिया, तो राजस्थान में कौन सी स्पीशी है जो खतरे से बाहर है, कौन सी एक्सटिंक्ट होने के खतरे में, वो सबका हिसाब रखा जाता है। तो इसको मेंटेन कौन करता है? तो इसको IUCN मेंटेन करता है, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ठीक है, अब IUCN की फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब देखो IUCN ने क्या किया है कि कौन सी स्पीशी पे कितना खतरा मंडरा रहा है, उस हिसाब से 9 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है और इनको अलग अलग रंग भी दिया गया है। तो इनके रंग मैं लास्ट में याद करवाऊंगा, बस कुछ नहीं करना, आपको मेरी आवाज पे ध्यान रखो और इस पेंसिल पे ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। देखो सबसे पहले एक्सटिंक्ट, नाम से ही पता लग रहा है एक्सटिंक्ट मतलब सुपड़ा साफ हो चुका है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मतलब जहां वो रहती थी, फॉर एग्जाम्पल वो जंगल में रहती थी तो जंगल में तो उसका सुपड़ा साफ हो चुका है, बट लास्ट के मान लीजिए 1-2 जानवर बचे हुए थे, उनको क्या है उठा के ले आए, अब उनको मेंटेन्ड एनवायरमेंट है ना, कि लेबोरेटरी में उनको जिंदा रखा है कि भाई खत्म ना हो जाए। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब बहुत ज्यादा खतरे में, क्रिटिकली मतलब बिल्कुल ही किनारे पे चल रहे हैं, कि क्या है कि इसकी लिमिट क्या है। देखो इन तीनों को साथ में करते हैं, पिछले 10 साल की बात हो रही है, अगर किसी स्पीशी की पिछले 10 साल में 80-90% पॉपुलेशन कम हो चुकी है और उसकी कितनी टोटल पूरी दुनिया की बात हो रही है 50 या 50 से भी कम बचे हुए इंडिविजुअल, तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगी। एंडेंजर्ड में क्या है, ये 50 से 70% कम हो चुकी है पिछले 10 साल में और उसके इंडिविजुअल कितने बचे हुए हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाइगर है, अब दुनिया में 250 ही टाइगर बच गए या उससे भी कम बच गए, तो एंडेंजर्ड में आ जाएगी। वल्नरेबल क्या है, थोड़ी से बेहतर सिचुएशन है कि 30-50% पॉपुलेशन कम हो चुकी है पिछले 10 साल में और कितनी संख्या बची हुई है पूरी दुनिया में, 1000 से कम बची हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर नियर थ्रेटेंड, नाम से या नियर है ना, पास में है, थ्रेटेंड मतलब खतरे के पास में है, शिफ्टिंग स्टेज मतलब ये किसी भी टाइम क्या है, यहां पर शिफ्ट हो सकती है। लीस्ट कंसर्न मतलब कोई दिक्कत नहीं है भाई, भरपूर मात्रा में है, फॉर एग्जांपल गाय भैंस है, अब गाय भैंस बहुत है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कबूतर है बहुत है भाई, बाहर घूम रहे है ना, बाहर घूम रहे नहीं उड़ रहे हैं, ठीक है, कुत्ते बिल्ली है भाई बहुत सारे, कोई दिक्कत नहीं है। डाटा डेफिशिएंट मतलब भाई जिनके बारे में अपने पास पूरा डाटा अवेलेबल नहीं है ना, कि उनका डाटा ही नहीं है तो उनको ये बारे में बताएंगे कैसे। नॉट इवेल्युएटेड मतलब जिनको IUCN ने लायक ही नहीं समझा, गजब बेइज्जती वाला काम हो गया कि भाई अपने को तो लायक ही नहीं समझा कि इस लिस्ट में उनको काउंट भी किया जाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कलर की। देखो कलर से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, एक वर्ड आ जाएगा थ्रेटेंड वाला, कि थ्रेटेंड कौन सी होंगी, तो ये वाली जहां पर पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड वल्नरेबल, ये आएंगी तीनों अपनी थ्रेटेंड वाली की, खतरे में है, खतरे में है। ठीक है, अब कलर कैसे याद करें, तो भाई नॉर्मल सी बात है, ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है, लाल कलर को बुरा माना जाता है। ठीक है, लाल मतलब खतरे की घंटी है, अब लाल कलर कम हुआ थोड़ा सा तो ऑरेंज हो गया, उससे थोड़ी रेडनेस कम हुई तो येलो हो गया, फिर क्या है लाइट ग्रीन हो गया, फिर क्या है डार्क ग्रीन हो गया, है ना, तो देख लो स्थिति सुधरती जा रही है, रेड ऑरेंज येलो फिर लाइट ग्रीन फिर डार्क ग्रीन। ठीक है, अब यहां पर यह है लाइट ग्रे और डार्क ग्रे, अब कई बच्चे सोचेंगे कि भाई ग्रे कलर कहां से ले आया, ये पेंसिल का कमाल है, मैंने भी ऐसे सोचा था ग्रे कलर कहां से लाऊं, तो पेंसिल से काम चल गया। ठीक है, एक्सटिंक्ट की बात करें तो ब्लैक काला है मतलब भाई खत्म ही हो चुकी है, और ये बैंगनी कलर है मतलब देखो काले के आसपास है, मतलब ये है ना थोड़ी थोड़ी उससे मिलती जुलती है। अब देखो इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ना, नीट का बढ़िया क्वेश्चन है, एंडेंजर्ड में रेड पैंडा, नीट का बढ़िया क्वेश्चन है। अब एंडेंजर्ड में जितना मैंने कोशिश की निकालने की, तो ये बंगाल टाइगर, स्नो लेपर्ड, गैंगेटिक डॉल्फिन और भी आ रहे थे, एशियाटिक लायन हो गया, अपना राइनोसोरस हो गया इंडियन वाला है ना, तो ये भी एंडेंजर्ड में आ रहे थे, पर जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रेड पैंडा, ये अपने सुपर हिट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।